नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता सुखबीर सिंह चौधरी सहित कई नेताओं ने सोमवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और ज्योति मिर्धा ने सुखबीर सिंह को दुपट्टा पहनाकर उन्हें बीजेपी ज्वाइन कराई। बीजेपी के लिए यह कदम काफी अहम हो सकता है। छात्राओं को मिलने वाली साइकिलों का कलर बदला। सरकारी स्कूलों में पढ़ रही छात्राओं को दी जाने वाली साइकिलों का कलर फिर बदल गया है। भाजपा सरकार के शासनकाल में बालिकाओं को इस बार ब्लैक नहीं बल्कि ऑरेंज कलर की साइकिल मिलेगी। इन साइकिलों की खरीद निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान ने लुधियाना की एक मशहूर साइकिल फर्म से की है। प्रदेश में शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए 3,25,200 साइकिलें खरीदी गई हैं। जल्द ही इन साइकिलों का वितरण छात्राओं को किया जाएगा। पाकिस्तान से आया हवाई जहाज का गुब्बारा। पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसकर जासूसी करने के लिए एक बार फिर गुब्बारा भारतीय सीमा में पहुंचा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी लेकिन विलंब से पुलिस पहुंची। उससे पहले ही गुब्बारा वापस उड़कर पाकिस्तान की सीमा में चला गया। अब इस गुब्बारा में किसी तरह की मशीनरी लगी थी या नहीं इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। ब्यूटीशियन केस में बाजार बंद, 24 घंटे का अल्टीमेटम। ब्यूटीशियन अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर परिजन 5 दिन से धरने पर बैठे हैं। सोमवार को सरदारपुरा व्यापार मंडल ने बाजार बंद रखा। धरने पर मौजूद लोगों ने कहा, जोधपुर पुलिस तो आसाराम जैसे बड़े आरोपी को गिरफ्तार कर लाई थी, सामान्य सा रफू का काम करने वाला गुलामुद्दीन उनकी पहुंच से बाहर कैसे हो सकता है? ये कोई बड़ा षड्यंत्र है। परिजनों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए खुद ही धरना समाप्त करने की बात भी कही है। राजस्थान के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर, भजनलाल सरकार गाय भैंस के साथ अब ऊंटनी और भेड़ बकरी का भी बीमा करेगी। इसके लिए पशुपालन विभाग ने गाइडलाइन तैयार कर ली है। राजस्थान में करीब 21 लाख पशुओं का निशुल्क बीमा किया जाएगा। बीमा करवाने के बाद किसी भी स्थिति में पशु की मौत होने पर पशुपालक को बड़े पशु के 40,000 रुपए मिलेंगे। का बीमा 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी इस वीडियो को अभी राजस्थान से देख रहे हैं तो अपने राज्य के चैनल राजस्थान समाचार को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने जिले का नाम भी जरूर लिखे दे। बॉर्डर पार करते पाकिस्तानी युवक को पकड़ा। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर के नग्गी इलाके में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी युवक को पकड़ा है। सीमा पार कर भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे पाकिस्तानी युवक को गिरफ्तार किया गया है। युवक जीरो लाइन क्रॉस करके भारतीय सीमा क्षेत्र में आ गया था। हालांकि उसने फेंसिंग क्रॉस नहीं की थी। बीएसएफ ने उसे ललकारा तो वह रुक गया। इस पर उसे पकड़कर बीएसएफ पोस्ट पर लाया गया। 7 नवंबर को होगा बाबा श्याम का तिलक। सीकर के खाटू श्याम मंदिर में 7 नवंबर को बाबा श्याम का तिलक और सेवा पूजा की जाएगी। ऐसे में मंदिर में दर्शन कई घंटे के लिए बंद रहेंगे। मंदिर कमेटी के द्वारा इस संबंध में सूचना जारी की गई है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष कालू सिंह ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 7 नवंबर को बाबा श्याम की विशेष सेवा पूजा और तिलक किया जाएगा। ऐसे में 6 नवंबर को रात 10 बजे से मंदिर में दर्शन बंद कर दिए जाएंगे जो 7 नवंबर की शाम 5 बजे शुरू होंगे। 30 नवंबर तक कराएं आधार व एलपीजी आईडी की सीडिंग। 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर के लिए लोगों को आधार कार्ड नंबर और गैस कनेक्शन की जानकारी देनी होगी। इसके लिए उपभोक्ताओं को राशन डीलर के पास जाकर पोस्ट मशीन में ये डाटा जुड़वाना होगा। ऐसा नहीं करने पर सस्ता सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। दरअसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े भरतपुर जिले के 2,04,000 परिवारों को सरकार की ओर से 450 रुपए में इस माह से ही सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा और सब्सिडी की राशि उपभोक्ता के खाते में आएगी। उपभोक्ता 5 नवंबर से 30 नवंबर तक ईकेवाईसी करा सकते हैं। बीएसएनएल की नई सेवा शुरू। बीएसएनएल के वाईफाई उपभोक्ताओं के लिए खुशखबर है। उपभोक्ताओं की मोबाइल डाटा पर निर्भरता खत्म करने तथा उन्हें बेहतर इंटरनेट सुविधा देने के लिए बीएसएनएल सर्वत्र वाईफाई सेवा शुरू कर दी है। इसमें उपभोक्ताओं को अपने घर और दफ्तर से बाहर देश के किसी भी शहर व गांव जहां बीएसएनएल वाईफाई उपलब्ध है वहां अपना वाईफाई उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए उपभोक्ता को बीएसएनएल के वाईफाई राइमिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। खास बात यह है कि इस सेवा के लिए उपभोक्ता को कोई अतिरिक्त पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। धर्म परिवर्तन के खिलाफ भी बिल लाएगी सरकार। राजस्थान में लालच देकर और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सरकार कानून बनाने की तैयारी कर रही है। भास्कर से बातचीत करते हुए प्रदेश के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा है
कि धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं होगा। अगले विधानसभा सत्र में इसके खिलाफ बिल लाया जाएगा। विधि विभाग धर्म परिवर्तन के खिलाफ बिल के ड्राफ्ट को फाइनल करने में जुटा हुआ है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के धर्म परिवर्तन से जुड़े कानूनों की स्टडी की जा रही है। इस बिल को अगले विधानसभा सत्र में पारित किया जा सकता है। राजस्थान में अब बढ़ेगी सर्दी। राजस्थान में दीपावली के बाद से रात में ठंडक बढ़नी शुरू हो गई। उत्तर पश्चिम राजस्थान के जिलों में तापमान रात में 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज होने लगा है। हिल स्टेशन माउंट आबू में रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के तापमान में भी गिरावट हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान में 7 से 8 नवंबर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। हालांकि सर्दियों की शुरुआत होने में अभी 8 से 10 दिन या उससे ज्यादा समय और लग सकता है। राजस्थान में टिड्डियों के हमले का खतरा, ईरान से पाकिस्तान होकर आने वाली टिड्डियां राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में उगने वाले 4 पौधों को खाने यहां आती हैं। इटली, रोम से आई टीम ने इसे टिड्डियों का पसंदीदा भोजन बताया है। इन पौधों में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। राजस्थान के बॉर्डर के 2500 किलोमीटर इलाके में टीम ने टिड्डियों के व्यवहार, आहार और भारत में आने की संभावनाओं पर सर्वे किया। एक्सपर्ट ने दावा किया कि अगले 6 महीने टिड्डियों का खतरा नहीं है। इस समय यमन और मोरक्को में टिड्डी प्रजनन हुआ है। ऐसे में 3 जिलों जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में अलर्ट बताया है। नागौर में खींवसर उपचुनाव के लिए होम वोटिंग शुरू। नागौर में खींवसर विधानसभा उपचुनाव में होम वोटिंग का पहला चरण शुरू हो चुका है। होम वोटिंग के जरिए 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जन घर बैठे मतदान कर रहे हैं। इसके लिए निर्वाचन विभाग के कार्मिक वरिष्ठ मतदाताओं के घर जाकर वोटिंग करवा रहे हैं। खींवसर विधानसभा क्षेत्र में 85 वर्ष से अधिक आयु के 2387 मतदाता रजिस्टर्ड हैं। पशुओं से भरा ट्रक पकड़ा, 38 पशु कराए मुक्त धौलपुर की निहालगंज। थाना पुलिस ने पशुओं से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। ट्रक से पुलिस ने 38 पशु मुक्त कराए हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश के कट्टी घर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 2 पशु तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। मोहनपुरा गांव में लेपर्ड का मूवमेंट। टोडा भीम क्षेत्र के गांव मोहनपुरा में लेपर्ड के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीण रात भर जागकर समय गुजार रहे हैं। ग्रामीण वन विभाग की तरफ मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन अभी तक ग्रामीणों को विभाग द्वारा किसी तरह का सहयोग नहीं मिला है। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। हालांकि वन विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर लेपर्ड के पगमार्क चिन्हित किए हैं। इस संबंध में बालघाट वन नाका टीम ने रेंजर गुड़ाचंद्र को लेपर्ड के मूवमेंट की पुष्टि की रिपोर्ट भी पेश कर दी, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया है। 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर पुलिस की तैयारी पूरी। राजस्थान में 13 नवंबर से होने वाले 7 सीटों के उपचुनाव को लेकर राजस्थान पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस मुख्यालय ने इन 7 सीटों पर सुरक्षा को लेकर विशेष बंदोबस्त कर लिए हैं। साथ ही सभी जिलों के SP को भी उपचुनाव को लेकर विशेष व्यवस्था रखने के निर्देश बार बार मुख्यालय से दिए जा रहे हैं। अजमेर में पाइप फैक्ट्री व गोदाम में लगी आग। अजमेर के मदार इलाके में पाइप फैक्ट्री व गोदाम में रविवार देर रात आग लग गई। कुछ ही मिनट में विकराल हुई आग में लाखों का सामान जल गया। आग की सूचना पर गोदाम मालिक और स्थानीय लोगों ने आस पड़ोस की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। बाद में दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दौसा के दौरे पर पहुंचे सचिन पायलट। दौसा में विधानसभा उपचुनाव के प्रचार कैंपेन ने जोर पकड़ लिया है। भाजपा व कांग्रेस के प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार में जुटे हैं। वहीं अब पार्टियों के स्टार प्रचारक भी चुनावी मैदान में उतर कमान संभालेंगे। AICC महासचिव व पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट सोमवार दोपहर दौसा विधानसभा क्षेत्र के कुंडल पहुंचे हैं। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा के समर्थन में कई गांवों का दौरा करेंगे व सैथल में सभाओं को संबोधित करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सचिन पायलट सबसे पहले कुंडल, इसके बाद सैथल क्षेत्र में सभा को संबोधित करेंगे। 2002 पदों पर भर्ती के लिए कल से करें आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSSC ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में 2002 पदों पर भर्ती के लिए कल से करें आवेदन। 202 पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए कल यानी 5 नवंबर से आवेदन प्रोसेस शुरू होगा। इसमें 2159 पद लेक्चरर और 43 पद कोच स्कूल शिक्षा के हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे। भर्ती के लिए 4 दिसंबर की रात 12 बजे आवेदन किया जा सकेगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एग्जाम डेट और सेंटर के बारे में बाद में सूचित कर दिया जाएगा। 24 विषयों के लिए निकाली लेक्चरर भर्ती में सबसे ज्यादा 350 पद हिंदी विषय के लिए है। चयन बोर्ड ने शेड्यूल जारी किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशु परिचर भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा
1 से 3 दिसंबर तक 6 पारियों में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को गृह जिले में या गृह जिले के नजदीकी जिलों में परीक्षा केंद्र देने के लिए चयन बोर्ड ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। बोर्ड कोशिश कर रहा है कि इस बार परीक्षा केंद्र के लिए 5 जिले बढ़ा दिए जाए। सीईटी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा 28 जिलों में आयोजित की गई थी। बोर्ड चाहता है कि 33 जिलों में केंद्र बनाए दिए जाएं। इसके लिए 28 जिलों के अलावा नए जिलों में जालौर, जैसलमेर, डीग, झुंझुनू और चूरू में सीमित संख्या में केंद्र बनाने की तैयारी शुरू की है। ईडी अधिकारी के घर चोरी करने वाला पकड़ा। अजमेर में ईडी के अधिकारी के एक सूने मकान में लगे सीसीटीवी कैमरा चोरी करने व तोड़ने के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अलवर गेट थाना पुलिस ने उसके घर से पकड़ा। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। बता दें कि राजकोट में आरोपी के खिलाफ ईडी अधिकारी को धमकाने का मामला भी दर्ज है। मदन राठौड़ का कांग्रेस पर तंज। इस मौके पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की रीति नीति से मोहभंग हो चुका है। बीजेपी से प्रभावित होकर नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस नेता अब बीजेपी में आ रहे हैं। इस दौरान पूर्व सांसद गोपाल सिंह इडवा तथा डॉ हापुराम चौधरी सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। पीएचडी करने पर मिलेंगे 40,000। कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए छात्राओं को 31 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए छात्रों को गत वर्ष की अंक तालिका, राजस्थान का मूल निवासी प्रमाण पत्र, अध्ययनरत कक्षा, वर्ष का अंकन व अन्य दस्तावेज लगाने होंगे। कृषि निदेशक कार्यालय में प्राप्त हुए ऑनलाइन आवेदन पत्रों की जांच करके संबंधित संस्था को प्रेषित करेंगे। इस बारे में कृषि आयुक्तालय की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार 12वीं की छात्रा को 15,000 रुपए मिलेंगे। स्नातक एवं स्नातकोत्तर की छात्राओं को 25,000 एवं कृषि विषय में पीएचडी करने वाली छात्रा को 40,000 रुपए प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष के लिए मिलेंगे। कृषि विज्ञान संकाय में प्रवेश लेने पर राज्य सरकार की ओर से छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मुफ्त गेहूं मिलने को लेकर आई बड़ी खबर। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जयपुर जिले में गेहूं परिवहन की व्यवस्था लगातार बेपटरी हो रही है, जिसके कारण हर महीने गरीबों के हक का हजारों क्विंटल गेहूं लैप्स होने की स्थिति में पहुंच रहा है। गेहूं आवंटन और उठाव के विभागीय पोर्टल पर नवंबर के गेहूं के उठाव की तस्वीर भी ठीक नहीं दिख रही है। रेलवे उपलब्ध करा रहा दवाई। अब एम्बुलेंस हारी सीजन के चलते ट्रेनों में अत्यधिक भीड़ के कारण यात्रियों की सेहत पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। खासकर बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। जनरल और स्लीपर कोच में लंबी दूरी की ट्रेनों में पैर रखने की भी जगह नहीं मिल रही है। मौसमी बीमारियों के प्रकोप के कारण भीड़ भाड़, गर्मी और बीमारियों के चलते सेहत बिगड़ रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों ने सोशल मीडिया और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मदद मांगी है। रेलवे जरूरतमंद लोगों को दवा और डॉक्टर उपलब्ध करवा रहा है। अब ट्रेनों के शौचालय में नहीं रहेगी पानी की कमी। ट्रेनों के शौचालय में पानी की कमी की बढ़ रही शिकायतों को दूर करने के लिए रेलवे ने नॉमिनेटिंग वाटरिंग स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव का समय बढ़ाया है। 8 को बंद हो जाएगी प्रदेश की 15,000 खदानें। राज्य सरकार ने प्रदेश में 9 से 11 दिसंबर व भीलवाड़ा में 8 नवंबर को होने वाले राइजिंग राजस्थान व इन्वेस्टर समिट से पहले खनिज व्यवसायियों को बड़ा झटका दिया। खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने प्रदेश की सभी उन खदानों को बंद करने के आदेश दिए जिन्होंने जिला स्तरीय पर्यावरण समिति से पर्यावरणीय स्वीकृति ईसी ली, लेकिन प्रदेश स्तरीय पर्यावरण समिति से ईसी नहीं ली। ऐसी खदानों की ईसी निरस्त कर दी गई। ये खदानें 8 नवंबर से बंद हो जाएंगी। प्रदेश में इनकी संख्या 15,000 से अधिक है। भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले में लगभग 1,600 खदानें हैं। प्रदेश की सभी खदानें बंद होने से लगभग 4,00,000 श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। अब चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनावों में अब प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेगी। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दौसा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें कि दीपावली के बाद रविवार को भी भाजपा कांग्रेस के कई स्टार प्रचारक अलग अलग सीटों पर प्रचार के लिए पहुंचे थे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने खींवसर में जनसभा की, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रामगढ़ में प्रचार किया था।
नए जिलों को लेकर मंथन लगभग पूरा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय बने नए जिलों की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी इसी माह के अंत तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है। कमेटी से जुड़े सूत्रों ने भी इसके संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि 17 नए जिलों को लेकर मंथन लगभग पूरा हो चुका है। कमेटी की अब एक और बैठक होगी जिसमें रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा और उसके बाद रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। हालांकि प्रदेश में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के चलते कमेटी की बैठक नहीं हो पाई है। राजस्थान में उपचुनाव के लिए होम वोटिंग शुरू। राजस्थान के उपचुनाव वाले 7 विधानसभा क्षेत्रों में आज से दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं के लिए होम वोटिंग शुरू हो गई है, जो 10 नवंबर तक जारी रहेगी। घर पर मतदान की सुविधा के लिए 3,193 मतदाताओं ने आवेदन किया, जबकि इन विधानसभा क्षेत्रों में आम चुनाव 2023 के दौरान कुल 1,862 मतदाताओं ने मतदान किया था। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।